हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, मुझे जाना है बाहर, तो मैंने अपने डिनर की तैयारी कर रखी है। आज मैं बनाऊंगी मूली के पराठे, जो मुझे आज मॉर्निंग में बनाने थे बट मैं नहीं बना पाई। एंड मैं आज मॉर्निंग में लंच भी प्रिपेयर नहीं कर पाई क्योंकि शौर्य ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो मैंने वो तैयारी करके रख दी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से, हम लोग को थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। एक्चुअली कल मेरी फ्रेंड्स आ रही है लंच पार्टी के लिए, मेरी आइफा के थ्रू जो फ्रेंड्स बनी थी अभी, जो मैंने शो किया था, तो आज वो कल वो लोग आ रही हैं, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा उनके लिए बनाती हूँ। तो थोड़ा बहुत सामान मुझे बाहर से लेके आना है, तो डिनर की तैयारी मैंने कर रखी है एंड हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। मूली कद्दूकस करके रख ली है और इसमें नमक डाल दिया सो दैट इसमें थोड़ा पानी छूट जाएगा। फिर मैं आधे पौन घंटे में आ जाऊँगी, तो मैं इसमें पानी निचोड़ लूँगी। एंड मेरा आटा भी गूंथ के रखा है, तो बस मुझे बाहर से होकर आना है, फिर अपना डिनर तैयार करना है। मैं अकेली जा रही हूँ, बाप बेटे पहले ही पहुँच गए। मम्मा को क्यों उठा रहे हो? चलो अच्छा लेके चलाएं, चलो 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 चलो। हाँ, क्या शॉपिंग करेगा शौर्य मेरा? हाँ तो कुछ नहीं लेना है। हाँ दीदी नहीं मिलेगी यहाँ। ये काफ़ी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है एंड हम अपना जो भी ग्रॉसरी होती है हम यहीं से लेके जाते हैं, बट एक दो महीने बाद ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा मिलता है एंड हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाता है। तो आटा चीनी वगैरह हमारा ख़त्म हो गया था, तो स्पेशली मैं वही लेने आई थी एंड मुझे नूडल्स यहीं के पसंद है, तो मैं वो ले रही थी। चलो नो मोर शॉपिंग, जल्दी जल्दी। बेटा ये हमारी बास्केट नहीं है, छोड़ो, पापा बुला रहे हैं उधर, चलो। अंकल बहुत गुस्सा करेंगे, कम कम। सो अब मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैंने अपने पराठे सेकने स्टार्ट कर दिए हैं। ये मेरा आटा एंड इसमें मैंने सिर्फ मसाले डाले, नमक अब और नहीं डाला है, ना ही प्याज, हरी मिर्च, धनिया, कुछ नहीं डाला है। प्लेन मूली है क्योंकि मेरे पराठे थोड़े फट जाते हैं, तो मैंने सिंपल ही रखे हैं एंड ठीक खा रहे हैं मेरे पराठे। तो मैं अपने हस्बैंड को पहले सर्व कर देती हूँ। ये बन गए हैं दो मूली के पराठे, मैंने इसके साथ सर्व की हरी चटनी एंड मिर्च का अचार एंड थोड़ी सी केचप भी दूंगी, वो केचप से ज़्यादा पसंद करते हैं। केचप लाऊं या बटर लाऊं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, जो मेरा कल का व्लॉग था उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं रात को इस व्लॉग को एंड नहीं कर पाई, ना ही आपसे उसके बाद बात कर पाई। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी क्योंकि हम वहाँ बेस्ट प्राइस गए थे, वो काफ़ी स्पेशियस एंड काफ़ी बड़ी जगह है एंड शौर्य के लिए तो वो भाई पार्टी टाइम आ जाता है, उसे भागने के लिए एक बड़ी सी जगह मिल जाती है, तो वो खुद तो भागता ही है एंड हमें भी भगाता है। वो तो आराम से आके अपना सो जाता है, उसकी थकान मिट जाती है, बट हम बहुत थक जाते हैं। तो मैं वहाँ इसके पीछे पीछे भागी क्योंकि कुछ शॉपिंग मेरे हस्बैंड कर रहे थे, कुछ मैं कर रही थी एंड हम वन बाय वन ही मतलब शौर्य को संभालते हैं, ये नहीं कि एक ही जना संभाले। क्या कर रहे हो बेटा? एंड पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। हाँ बंद कर दो, वेरी गुड, खा लो इसमें से। उसने बिस्किट का पैकेट एक खोल के डाल दिया है, लिटिल हर्ट्स कल हम लेके आए थे तो वो उसे खोल के बैठा है एंड पूरा बॉक्स भर दिया है उसने इससे। एंड खाना नहीं है उनको, सिर्फ वेस्ट करना है बस। हाँ फिनिश हो गया। हाँ तो रात को मैं आपसे कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं थक गई थी एंड मैं डिनर करते ही उन्हें मैंने पहले उन्हें दिया, फिर दो पराठे मैंने खाए एंड फिर मैं भी इमीडिएटली सो गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग एंड करना है। कम बेटा, तो इस वजह से जो भी ग्रॉसरी का सामान था वो उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइज कर दिया था, मतलब एक पोर्शन एंड बाकी मैंने अभी मॉर्निंग में कर लिया है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेड भी थी उस समय मेरी। हाँ हाँ, तो उस तरह से मैं आपको शो नहीं कर पाई क्योंकि ऊपर नीचे का सामान होता है, तो शौर्य जब सो रहा होता है हम तभी निपटा लेते हैं। शौर्य शौर्य पता नहीं क्या दिक्कत है। लो ये बॉक्स ओपन करने के लिए, ईट कम ईट ईट। ये वापस इससे इसमें कैसे जाएंगे? आप डालो वन बाय वन करके, यहाँ से डालो वन वन करके, ये लो वन डालो वन। हाँ यस। सो शौर्य का तो इंटरफेरेंस चलता ही रहता है, उसको मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो सो फ्रेंड्स, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, मेरे टीवी पे एक गाना आ रहा है, अगर वो गाना कंटिन्यू चलता रहा और ब्लॉग में आ गया तो कॉपीराइट लग जाएगा, तो इसलिए मैं म्यूट कर रही हूँ टीवी।
हाँ मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं जो IIFT पे मैंने शो किया था तभी मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी थी. दे आर वेरी जूनियर टू मी एज वाइज बट दे आर वेरी नाइस एंड हम दो दिन साथ रहे लेकिन हमारी एक बॉन्डिंग हो गई. तो आज उन्होंने सोचा चलो प्रिया दी के यहाँ चलते हैं, हमें मिलना था, कुछ छोटा मोटा काम था हमारा. तो मैंने कहा डेफिनेटली यार आओ, मोस्ट वेलकम. एंड वो ऑब्वियसली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी कुकिंग व्लॉग्स देखती हैं, तो उनकी डिमांड थी कुछ की दी ये बनाना दी वो बनाना, तो मैंने उनके लिए तैयारी सब कर ली है. वो व्लॉग मैं आपके साथ सेपरेटली शेयर करूंगी. अभी तो मैं जो ये मेरा लास्ट व्लॉग है मैं उसको एंड करने के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ, सो दैट उसका मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊँ कि छोटा होगा बड़ा होगा पता नहीं. उन लोगों ने काफ़ी प्लान्स कर रखे हैं कि दी ये भी करेंगे वो भी करेंगे एंड डिपेंड करता है शोर है हमें कितना सपोर्ट करता है. तो आज का व्लॉग मेरा फ्रेंड्स इसी तरह से था. आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा. मिलते हैं फिर से किसी अच्छे से व्लॉग में. बाय बाय.